जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ YouTube के दो नए अपडेट के बारे में, जो कि लॉन्ग वीडियो बनाने वाले के लिए गुड न्यूज है, जबकि शॉर्ट वीडियो बनाने वाले के लिए बैड न्यूज है। और क्या गुड न्यूज है और क्या बैड न्यूज है, आज के वीडियो में पूरी तरह मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त श्याम सजना और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से 2 साल पहले जब भी हम अपने यूट्यूब चैनल को खोलते थे तो ट्रेंडिंग वाला सेक्शन नीचे दिखाई देता था, जो कि कुछ दिनों बाद यूट्यूब ने उसे मॉडिफाइड करके एक्सप्लोर में कर दिया। और वो क्यों किया ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, दरअसल यूट्यूब ने एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में क्यों ट्रेंडिंग टॉपिक को भेजा, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर और व्यूअर ट्रेंडिंग वाले टॉपिक में जाके वीडियोज को देख लेते थे, उस पर वीडियोज बना देते थे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता था। इन सभी कारणों की वजह से यूट्यूब ने ट्रेंडिंग सेक्शन को एक्सप्लोर के अंदर भेज दिया। आज से 2 मंथ पहले तक जब भी हम एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में जाके ट्रेंडिंग सेक्शन को ओपन करते थे तो 1 से 10 तक, यानी कि 1 से 10 तक अगर वीडियो को देखा जाए तो 7 वीडियो सिर्फ शॉर्ट्स की होती थी। मतलब 1 से 10 तक अगर हम वीडियो को देखते थे जिनमें से 7 वीडियो सिर्फ शॉर्ट्स की होती थी। तो ये सब देखते हुए लॉन्ग क्रिएटर ने यूट्यूब को मैसेज करके अपनी आपत्ति जताई कि हम 10 मिनट 12 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं, अच्छे से टाइटल टैग और थंबनेल लगा के वीडियो को अपलोड करते हैं, और जब हमारा वीडियो ट्रेंडिंग सेक्शन में जाता है तो हमारे वीडियो से ऊपर शॉर्ट्स के वीडियो आते हैं, जबकि वो 15 सेकंड का महज वीडियो बनाते हैं और हम लोग 15 मिनट का वीडियो बनाते हैं, आखिर क्यों। इन सभी बातों को देखते हुए यूट्यूब ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और अब आप ट्रेंडिंग सेक्शन में जैसे ही जाओगे तो आपको दिखाई देगा पहले लॉन्ग 3 वीडियो। दोस्तों, अब आप कहोगे कि लॉन्ग वीडियो बनाने वाले की तो बल्ले बल्ले हो गया, जबकि शॉर्ट वीडियो बनाने वाले के साथ तो बहुत बुरा हुआ। तो यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बनाने वाले के साथ ज़्यादा कुछ बुरा नहीं किया है, क्योंकि यूट्यूब को भी पता है कि अभी के समय में शॉर्ट वीडियो सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। अगर यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बनाने वाले के साथ थोड़ा भी बुरा करता है तो वो लोग अदर प्लेटफॉर्म पर चल जाएंगे, जैसे टिकी हो गया, MX टकाटक हो गया, मौज हो गया, वहाँ चले जाएंगे। तो यूट्यूब कभी नहीं चाहेगा कि हमारे शॉर्ट क्रिएटर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाए। यूट्यूब ने ज़्यादा कुछ बुरा नहीं किया है, बस 3 लॉन्ग वीडियो के बाद शॉर्ट वीडियो का एक ट्रेंडिंग सेक्शन बना दिया है, जिसमें आपको सिर्फ शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि जो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनके वीडियो ऊपर, और जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं वो थोड़ा कम मेहनत करते हैं तो उनका वीडियो नीचे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।